मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदर्श पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करोली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथा की श्रृंखला में आज ज्ञानो दीदी को आप जानते हैं? नहीं तो सूरज नारायण मेहरोत्रा जी की कई कथाएं मैं सुनाई है। लखनऊ में उनका आवास है, आवास का चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं। उनके पुत्र अमर नारायण मेहरोत्रा जो बचपन में गिर गए थे छत से, अब तो ये बच्चा कितना बड़ा है इनका चित्र भी देख लीजिएगा, है ना। इन्हीं की बहन का नाम ज्ञानो दीदी, एक चित्र मैं आपको दिखा रहा हूं उनके बचपन का, जिसमें अमर नारायण मेहरोत्रा भी हैं, गोपाल भी हैं, ज्ञानो दीदी भी बैठी हुई हैं, दो सेवक भी पीछे खड़े हुए हैं घर में काम करने वाले। तो चित्र देख रहे हैं ना, अच्छा लग रहा होगा आपको। ये खोज खबर दस्तक मीडिया की है और इस खोज खबर में ज्ञानो दीदी की एक ऐसी कथा, एक ऐसा संस्मरण जहां लगता है कि महाराज जी एकदम स्वयं में भाव विभोर हो जाते थे। हुआ क्या, ज्ञानो दीदी का समय पर जो विवाह हुआ, उस जो उनके पति का चुनाव भी महाराज जी के भक्त परिवार से ही हुआ था। विवाह हो गया, बच्चे, उनका एक बेटा शिमला की हॉस्पिटल में भर्ती था, बीमार था, और इतना बीमार था कि डॉक्टरों ने केवल एक ही बात कही कि अब भगवान ही मालिक है। ज्ञानो दी, उनके पति, उनके परिजन बहुत परेशान थे। जिसके बेटे की हालत गंभीर हो जाए तो आप समझ सकते हैं कि क्या हुआ होगा। ज्ञानो दी चाहती थी कि किसी भी तरह से महाराज जी से संपर्क हो जाए, बाबा जी से संपर्क हो जाए और हम बात अपनी उनसे कह दें। लेकिन आपको पता है कि महाराज जी का कोई वक्त ऐसा नहीं कि इस तारीख में इस दिन वहां मिलेंगे। कभी इलाहाबाद हैं, कभी दिल्ली हैं, कभी कहीं किसी तीर्थ स्थल पर हैं, कभी किसी के भक्त के घर पर हैं, पता किसी को नहीं। आपको पता होगा सुधीर दादा के यहाँ भी रात में वो नंदी जब आई थी, कमला दीदी की जो शिष्य, जिसने ये बताया था कि आप अभी दर्शन कर ले, उनका पता कुछ नहीं है, वो रात में उठ के चल रहे। तो यही स्थिति जो सब लोग जानते थे। तो ज्ञानो दीदी ने कहा कि अब क्या करें, बहुत परेशान। ज्ञानो दीदी का चित्र आप देख लीजिएगा, ये चित्र अभी का है। घटना शिमला अस्पताल यानी शिमला की है, हिमाचल में। बेटा बहुत गंभीर है, प्रार्थना करना चाह रही है लेकिन वो महाराज जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। लेकिन महाराज जी तो मन की बात जानते हैं और जिस समय ज्ञानो दी बाबा को याद कर रही हैं, याद करती होती हैं, उस समय महाराज जी वृंदावन से दिल्ली जा रहे होते हैं। केयर सिंह उनके अनन्य भक्त हैं, केयर सिंह साथ में हैं और जवाहरलाल बर्मन जी हैं उनके भक्त। जवाहरलाल बर्मन के निवास के लिए वो रवाना हुए हैं वृंदावन आश्रम से। तो अब जैसे ही उन्हें आभास होता है, महाराज जी एकदम परेशान हो जाते हैं। महाराज जी कहते हैं, अरे ज्ञानो मेरी बड़ी भक्त है, अगर उसका बेटा नहीं रहा तो हम मौत दिखाने काबिल नहीं रहेंगे। ये बात जब वो गाड़ी में कहते हैं, कैसे तो जानते हैं कि महाराज जी कुछ देख रहे हैं, महाराज जी उसी संबंध में कुछ कह रहे हैं। इधर ज्ञानो दी, उनके पति, उनका परिवार परेशान है। महाराज जी दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली पहुंचने के बाद वो बर्मन के घर से फोन लगाते हैं। फोन पहुंचता है, उनके पति ज्ञानो दीदी के पति उसे अटेंड करते हैं, कहते ज्ञानो रो रही है, बहुत परेशान है महाराज जी,
ज्ञानों को फोन दो, ज्ञानों को फोन मिलता है और ज्ञानों रो रही हैं, अपनी बात कह नहीं रही। आज भी जब वो महाराज जी की बातें करती हैं तो बहुत भावुक हो जाती हैं। छोटा सा सीन आप देखना चाहेंगे, ऐसी तरह से बात करती हैं वो। ये भक्ति की है, भक्ति वीडियो तो बहुत आगे भी कितने भी निकलना है आपको बस अभी। और भावुकता में आंसू निकलने लगते हैं, तो वैसे ही वो कुछ कह नहीं पा रही हैं। महाराज जी उधर से कहते हैं, ज्ञानो चुप हो जा, जा बेटे को घर ले आ, इलाज सही नहीं हो रहा, तू घर ले आया, वो स्वस्थ है। फोन पर जब ज्ञानो दीदी को ये आदेश मिल जाता है, वो अस्पताल से बच्चे को घर ले आती हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर कहते हैं कि हॉस्पिटल में रहने दो, अभी स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन नहीं, हम अपने घर ले आएंगे। और बेटा घर आ गया, घर में सामान्य जो खाना पीना जो कुछ भी है वो होता है और बेटा ठीक हो जाता है। तो भक्त के बस में भगवान ऐसी बातें करते हैं। और वास्तव में भक्त को कष्ट होता है तो भगवान जान जाते हैं। ज्ञानो दीदी बहुत परेशान थी, बहुत सारे संस्मरण है ज्ञानो दीदी के। ये संस्मरण जब वो सुनाती हैं, कहती हैं, तो भाव विभोर हो जाती हैं, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। आप ये मानिएगा कि महाराज जी को जितनी समर्पण है, वो आज भी 80 प्लस हैं और महाराज जी के जहां कार्यक्रम होते हैं, जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे वो लखनऊ में स्थापना दिवस हो, वृंदावन में भंडारा हो, और चाहे जो कैची धाम, यानी जहां पर जो कार्यक्रम होता है, ज्ञानोदी आज भी वहां पर जाती है। बच्चे सब सकुशल से हैं अब उनके, और आप इस उम्र में भी अकेला चलना पसंद करते हैं। कहती महाराज जी है हमारे साथ, महाराज जी की कृपा हमारे साथ है, तो उनके भाव भक्त भावना को हम सब प्रणाम करते हैं। दस्तक मीडिया के दर्शकों की तरफ से मैं उनके चरणों में अपना प्रणाम प्रदर्शित करता हूं। ज्ञानो दीदी का जो भाव, ज्ञानो दीदी की भक्त भावना, और हम तो महाराज जी के भक्तों के भी भक्त अगर बन पाते हैं तो सौभाग्यशाली हैं। ज्ञानो दीदी का एक बार पुनः चित्र देख लीजिएगा, आपको जल्द ही उनका साक्षात्कार करवाएंगे। जय बाबा की। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।